शारदा, शारदा, अरे शारदा, अरे क्यों पूरा घर सर पर उठा रखा है? वो क्या है ना, प्रतिदिन तुम कहती रहती हो उठा लो ये उठा लो वो उठा लो, इसको उठा लो उसको उठा लो, तो तुम्हारी बात मेरी समझ में आ गई, इसलिए मैंने पूरा घर ही सर पे उठा लिया है। हाँ तो इतनी जोर जोर से चिल्लाने की क्या आवश्यकता है? अगर प्रातः काल ही चिल्लाना है तो धीरे धीरे भी तो चिल्ला सकते है ना। धीरे धीरे कैसे चिल्लाते है ना, वो आप जाने, हमें हमारे कान बचाने हैं, अम्मा की बातें जो सुननी है। अम्मा की बात? अम्मा कहाँ बोलती है? हाँ परंतु इशारे तो करती है ना। शारदा महोदया, इशारे आंखों से देखे जाते हैं, कानों से सुने नहीं जाते। अम्मा बोलती नहीं है, पुत्र चुप नहीं बैठता। ओहो, तुम क्यों बोल रही हो कि तुम मेरी पत्नी हो? तुम्हें कुछ ज्ञात है मेरा भोजन का पात्र कहाँ है? दरबार समय पर पहुँचना है मुझे। लामा, तुझे समय पर दरबार पहुँचना है, तुझे अपनी बात पर विश्वास भी होना है। डप्पे, देर मुझे अपने कारण नहीं दूसरों के कारण होती है। सत्य कह रहे हैं आप, जो व्यक्ति दिन भर सोने और खाने के अलावा और कुछ नहीं करता, उसके कारण विलंब कैसे हो सकता है? ओहो शारदा महोदया, यदि मुझे आज विलंब हो गया ना तो। अम्मा कह रही है आज क्या विशेष है दरबार में? अम्मा दरबार में एक समस्या आई है जिसका समाधान नहीं हुआ है, महाराज ने बुलावा भेजा है। अम्मा हमें आपसे कुछ कहना है। कहना है? तो अभी तक क्या इशारे में बात कर रही थी? देखो जो भी कहना ना भोजन के साथ बांध लो, दरबार में सुन लूंगा। वो क्या है ना, घर में एक नन्हा सा अतिथि आने वाला है। शारदा महोदया, हमारे घर के द्वार पर ऐसा तो नहीं लिखा है ना कि अतिथियों का प्रवेश वर्जित है? नन्हा बड़ा छोटा मोटा जो भी अतिथि आ रहा है आने दो, किंतु ध्यान रखना अतिथि सत्कार के पश्चात वो हमारे द्वार से अपने द्वार तक अवश्य लौट कर जाए। मेरा भोजन पात्र मैं स्वयं ही ले लूंगा। कहाँ है मेरा भोजन पात्र? क्या है इसमें? हे, आज कोई पर्व है क्या? इसमें तो केवल लड्डू भरे हुए हैं। अरे ये तो अम्मा का पात्र है जिसमें अम्मा लड्डू छुपा कर बचा कर रखती है। माँ, अरे ओहो, हम कह रहे थे हमारे घर जो अतिथि आने वाला है वो जाने के लिए नहीं सदैव यहाँ रहने के लिए आवा। शारदा महोदया, तुम्हारे भाई के प्रति जो तुम्हारा प्रेम है ना वो अंधा है मुझे पता है, किंतु ईश्वर ने तुम्हें दो दो नेत्र दिए हैं तो उसे नन्हा सा क्यों कह रही हो? देखो वो आए ठीक है किंतु सदैव के लिए नहीं। हाँ हम अपने भाई की बात नहीं कर रहे, हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। शारदा महोदया, तुम्हें जो भी कहना है ना रात्रि को भोजन के पश्चात कहना, तब मैं तुम्हारी सारी पहेलियां सुलझा लूंगा, बड़ा आनंद आएगा। अभी नहीं, लगता है आज भी भोजन मुझे बाहर ही खाना पड़ेगा। धन्यवाद। शारदा, तूने सीधे सीधे क्यों नहीं कहा कि मुझे श्वान का नन्ना सा बत्ता चाहिए? सीधे सीधे तो क्या, रामा को तो हमारी टेढ़ी बात भी समझ नहीं आ रही। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इन्हें समझाए कैसे। दरबार में कृष्णा, मोहन और सोहन तीनों भाई हैं। इनके पिताजी द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का वितरण करना चाहते हैं, परंतु इस विरासत का वितरण एक ऐसा प्रश्न बन गया है जिसका हल नहीं मिल रहा है। महाराज, महाराज इन तीनों भाइयों के पिताजी ने अपने मृत्यु से पूर्व एक इच्छा पत्र और 17 हीरे छोड़े थे। उनके इच्छा पत्र के अनुसार उनके सबसे बड़े बेटे कृष्णा को कुल संख्या के हीरों में से आधा भाग, अपने मझले पुत्र मोहन को कुल संख्या के हीरों में से एक तिहाई और अपने छोटे पुत्र सोहन को कुल हीरों की संख्या में से 9वां भाग मिलना चाहिए। परंतु महाराज, समस्या यह है कि हीरे केवल 17 ही हैं। आपको तो ज्ञात है महाराज, किसी भी मूल्यवान हीरे को तोड़ना या काटना इसका अर्थ अति मूल्यवान हीरे को मिट्टी में मिलाना।
ना। महाराज, हमारे विचार से तो इस इच्छा पत्र के विषय में कुछ भी कहना असंभव है। गुरु जी, कुछ कहना असंभव है तो आसन से क्या कहने के लिए खड़े हुए हैं आप? है? महाराज, जहां तक हम अपनी अद्वितीय अलौकिक शक्ति से देख पा रहे हैं, इनके पिता श्री स्वर्गीय रामेश्वर राव अवश्य इन तीनों भाइयों से रुष्ट रहे होंगे, अन्यथा कभी ना सुलझने वाली पहेली जैसा ये इच्छा पत्र क्यों बनवाते? अब रामेश्वर राव जी द्वारा दिए गए हीरों की चमक भरी झलक तो उनके पुत्रों की आंखें पा सकती हैं, परंतु उन हीरों के स्वामित्व की खनक भरी आवाज उनके कान नहीं पा सकती। अरे गुरुजी, क्या कर रही? रामेश्वर राव के तीनों पुत्र को शराब दे रही, जिन्होंने आपसे हवन कराया और आपको अच्छी खासी दक्षिणा दी। हाँ हाँ, अवश्य हमने रामेश्वर राव जी के लिए हवन किया, कई बार किया, अब तभी तो उन्हें इतनी सरल मृत्यु प्राप्त हुई है। और यदि वो अपने निधन से पूर्व हमें कुछ कुछ देकर जाते तो रामेश्वर राव जी की आत्मा को मुक्ति मिले, इसका भी कोई ना कोई प्रबंध आप कर ही देते ना। क्यों क्यों? अवश्य अवश्य। महाराज, हम इससे आगे की सोच रहे हैं। हमारा ये विचार है कि यदि इन हीरों का वितरण नहीं होगा तो इसका अर्थ ये होगा कि उसका कोई स्वामी नहीं होगा। अब जब हीरों का कोई स्वामी नहीं होगा तो ऐसी परिस्थिति में वो जो हीरे हैं वो पंडितों में बंटवा दिए जाने चाहिए, है ना? है, है ना? परंतु महाराज, ये तो न्याय नहीं है। महाराज, हम कई पीढ़ियों से विजयनगर के नागरिक हैं, हमें आपसे न्याय की आशा है। और महाराज, सच तो ये है कि अंत समय में हम तीनों भाइयों ने पिताजी की सेवा और देखभाल की है, इसीलिए पिताजी के रुष्ट होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आप इस बात की पड़ताल हमारे पड़ोसियों से पूछकर कर सकते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें हमारे महाराज से न्याय के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। पंडित रामकृष्णा। पंडित रामकृष्ण। रामा, पंडित रामकृष्ण, आप कब आए और इस प्रकार उस भीड़ में क्यों खड़े हैं? प्रणाम महाराज, वो मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया था और दरबार की कार्यवाही आरंभ हो गई थी, इसलिए मैं वहीं पीछे खड़े होकर सब सुन रहा था, अन्यथा दरबार की कार्यवाही में खेद पड़ता जो मैं नहीं चाहता था। तो संभवतः अब तो आपने मुद्दा सुन लिया, निकालिए इसका निराकरण। हाँ। नहीं महाराज, नहीं नहीं नहीं, इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि फिर से विलंब से आए हैं, फिर से विलंब। महाराज, हम आपकी अनुमति लेकर ये कहना चाहते हैं कि आज पंडित रामकृष्ण से यह भी पूछ लिया जाए कि सदैव दरबार में विलंब से आने के पीछे इनका क्या कारण है, क्या विचार है इनके। इनकी इसी प्रवृत्ति के कारण पंडित रामकृष्ण प्रतिदिन आपका और इस दरबार का घोर अपमान करते हैं, और राजगुरु होने के नाते हम इसे सहन नहीं कर पाते और नहीं कर पाएंगे। बस ये हमारी प्रार्थना थी महाराज आपसे। क्या आप इनसे पूछिए। पंडित महाराज, गुरुवर ने जो प्रसंग उठाया है, मुझे लगता है उस विषय में कुछ भी बोलना मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि मैं कुछ भी कहूंगा तो सबको यही लगेगा कि मैं बहाने बना रहा हूं, किंतु यदि आप अनुमति दें तो मैं इन हीरों का वितरण कर सकता हूं।
अरे रामा, तू तो मरेगा साथ में मुझे भी मरवाएगा। जिस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया यहाँ, तू कैसे दे पाएगा? पता नहीं। अरे किसने कहा था तुझे मुंह खोलने के लिए? अब जब मुंह खोल ही दिया है तो कुछ कर रामा, कुछ कर। सोचने दे, तू चुप कर। नहीं 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 महाराज, नहीं। इन तीनों भाइयों को न्याय मिले इससे पहले दरबार को न्याय मिलना चाहिए। गुरुवर, आपके कहने का आशय क्या है? महामंत्री जी, दरबार को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि पंडित रामाकृष्णा द्वारा दरबार में विलंब से आकर प्रतिदिन दरबार की मान मर्यादा को खंडित किया जाता है। अतः इन्हें इसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। विजयनगर राज्य के राज दरबार की यह विशेषता, यहाँ का नियम, यहाँ का अनुशासन जी। और इनका उल्लंघन करने वाले को दंडित अवश्य किया जाना चाहिए, फिर चाहे वो उल्लंघन पंडित रामकृष्ण से ही क्यों ना हुआ हो। महाराज, गुरु ठीक कह रहे हैं। पंडित रामकृष्ण, उल्लंघन तो आपसे हुआ है, अतः आपको पंडित रामकृष्ण इस दरबार से निष्कासित किया जाता है। महाराज, मैं पंडित रामकृष्णा, आपने सुना हमने क्या कहा, आपको निष्कासित किया जाता है। ठीक है महाराज, अब जब मेरा निष्कासन हो ही चुका है तो जाने से पूर्व क्या मैं याद के तौर पर भेंट स्वरूप आपसे एक हीरा मांग सकता हूँ? जैसा इन तीन भाइयों ने हीरा प्रस्तुत किया है उसी श्रेणी का, बस यही मेरी अंतिम प्रार्थना है आपसे। गुरुजी देखा आपने, आज पंडित रामकृष्ण दरबार से निष्कासित हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में तो इन्हें दुखी होना चाहिए, इनकी आंखों से अश्रु धारा बहनी चाहिए, किंतु ये तो उल्टा हीरे मांग रहा है। और एक आप हैं गुरु, हम राजगुरु हैं, हम राजगुरु की दही जमाते रहे और मलाई। पंडित रामकृष्ण चेक कर गया। पंडित रामकृष्ण, आपका निष्कासन हुआ है, और निष्कासित होना कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसके लिए शौर्य गाथा गाई जाए और उसके पुरस्कृत किया जाए। नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं नहीं, पंडित रामकृष्ण को कोई हीरा बीरा नहीं मिलना चाहिए। पंडित रामकृष्ण, हमें आपसे ये अपेक्षा नहीं थी। महामंत्री जी। महाराज जी, महाराज बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। मंत्रीवर, महामंत्री जी, हम ये कह रहे हैं कि पंडित रामकृष्ण को भी उसी श्रेणी का एक हीरा उपहार स्वरूप दिया जाए, जिस श्रेणी के हीरे ये तीनों भाई लेकर आए हैं। जी महाराज, जो आज्ञा महाराज। धन्यवाद महाराज, मेरी मांग का मान रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित रामकृष्णा, ऐसे क्या देख रहे हो हीरे को? शायद आपको ज्ञात नहीं, सांच को आंच नहीं होती और राज के खजाने के हीरे की जांच नहीं होती। नहीं नहीं गुरुवर, मैं इसकी जांच नहीं कर रहा, मैं तो इसे केवल देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि अब इस हीरे का क्या किया जाए। इस हीरे को भी वितरण के लिए सम्मिलित कर लिया जाए। रुकिए,
रुकिए पंडित रामाकृष्णा, इस प्रकार राजकीय उपहार को फेंककर पंडित रामाकृष्णा आपने विजयनगर की प्रतिष्ठित गरिमा को ठेस पहुंचाई। नहीं नहीं गुरुवर, मैंने तो केवल भेंट स्वरूप ये हीरा इन भाइयों को दिया है। देखिए महाराज, देखिए देखिए, पंडित रामाकृष्णा आपकी हमारी इस दरबार की इस अपमान कर रहे हैं। पंडित रामाकृष्णा महाराज, ये कैसे गुस्ताखी है? ये गुस्ताखी नहीं है महाराज, ये भेंट देने से ही समस्या का हल निकलेगा। समस्या हल हो गई? समस्या का हल निकल गया महाराज, भेंट देते ही हल निकल गया। महाराज ये आपको बातों में उलझाने का प्रयास कर रहे हैं, निष्कासित हो चुके हैं। पंडित रामाकृष्णा जाइए आप यहाँ से, अब आपके लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। आज्ञा दे महाराज। रुकिए पंडित रामाकृष्णा, क्या आप आश्वस्त हैं कि बिना किसी हीरे को तोड़े हुए इस समस्या का हल निकल सकता है? जी महाराज, किंतु अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। रुकिए पंडित रामाकृष्णा, सर्वप्रथम आप इस समस्या का निराकरण कीजिए, आइए। पूछ रही है तू खाने में ये सब खाएगा? मिलते थी पुतलियो, मैं तो तिल पुलाव मंगाया तो इतना दाने। अम्मा मंगवा लिया है तो खाना तो पड़ेगा ही ना। वो क्या है ना, सुबह से हमारा हृदय घबरा रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या खाए, इसलिए हमने इमली और कच्चे आम मंगवा लिए। कच्चे आम सालदा खा लिया, खुद आप बोलियो अम्मा क्यों? लगता है अम्मा ने बहुत तमाय थे लड्डू ने कर, इतने लत नताने वाली ऐसी अजीब तवे वाली तू तलेगी। अम्मा आप लड्डू था लो, अता लड्डू था लो। हाँ आपने अपना लड्डू मुझे दिया, अब तक त्वात तो थी था ना? कच्चा आम और इमली लाने पर दो दो लड्डू दे लिए। अम्मा कल से मैं आपके लिए भी आम और इमली लाऊंगा, तो आप मुझे और लड्डू देना। कृष्णा मोहन और सोहन, अब आपके पास कुल 18 हीरे, आप यूं समझिए कि ये सभी हीरे आपके ही हैं। कृष्ण महोदय, आपके पिताश्री के इच्छा पत्र अनुसार आपका भाग कितना है? मेरे पिता के इच्छा पत्र के अनुसार मैं आधे भाग का अधिकारी हूँ। आधा भाग? जी। 18 का आधा हुआ 9। कृष्ण महोदय, आप थाल में से 9 हीरे ले लीजिए। जी। मोहन महोदय, आपका भाग कितना है? जी एक तिहाई। एक तिहाई अर्थात तीसरा भाग। 18 का तीसरा भाग हुआ 6। जी। आप इस थाल में से 6 हीरे ले लीजिए। सुहन महोदय, आपका भाग कितना है? जी नौवा हिस्सा। नौवा हिस्सा? नमस्कार। 18 का नौवा भाग अर्थात 2। आप 2 हीरे ले लीजिए।
मंत्रीवर, ये हीरा इस राज्य की धरोहर है, मैं इसे वापस आपके सुपुर्द करता हूँ। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, साधो साधो। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, आपने इस गुत्थी को सुलझाया तो आप इस हीरे के अधिकारी, फिर आप इसे लौटा क्यों रहे? मैंने गुत्थी सुलझाई नहीं और उलझा दी, क्योंकि रामेश्वर राव जी के इस इच्छा पत्र में एक ऐसा गुप्त सांकेतिक संदेश है जो अभी तक उजागर नहीं हुआ है। फिर मैं किस मुंह से पुरस्कार स्वीकार करूं महाराज?